Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश भर में कई ऐसे शिव मंदिर हैं जिनका पौराणिक महत्व है। ऐसा ही एक मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। इस जिले के एक गांव त्रियोगी नारायण में शिव जी का प्राचीन मंदिर है। इसे त्रियोगी नारायण मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के संबंध में गांव में मान्यता प्रचलित है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। देवी की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इसके बाद इसी गांव में भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। यहाँ एक कुंड में अखंड धुनी जलती रहती है। गांव के लोग कहते हैं कि इसी जगह पर शिव जी और पार्वती जी बैठे थे और ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था। अग्निकुंड के चारों तरफ भगवान ने फेरे लिए थे। मंदिर में भक्त लकड़ियां चढ़ाते हैं और भगवान का प्रसाद मानकर अग्निकुंड की राख अपने घर ले जाते हैं। ये राख घर के मंदिर में रखी जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे। विवाह से पहले ब्रह्मदेव ने मंदिर में स्थित एक कुंड में स्नान किया था, जिसे ब्रह्मकुंड कहा जाता है। तीर्थयात्री इस कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ एक और कुंड है जिसे विष्णु कुंड कहते हैं। शिव पार्वती विवाह में विष्णु जी ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। कहते हैं विष्णु कुंड में स्नान करके भगवान विष्णु विवाह में शामिल हुए थे। मंदिर में एक स्तंभ भी है। इस संबंध में यह मान्यता है कि भगवान शिव को विवाह में एक गाय मिली थी। यहाँ स्थित स्तंभ पर ही उस गाय को बांधा गया था। सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग पहुँचना होगा। इस जिले तक पहुँचने के लिए देश भर से कई साधन आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद गौरीकुंड पहुँचना होगा। गौरीकुंड से गुप्त काशी की तरफ सोनप्रयाग आता है और यहाँ से त्रियोगी नारायण मंदिर आसानी से पहुँचा जा सकता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.